ब्रेक पर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर उतनी सहजता नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसीलिए उन्हें कानून बनाकर मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन देश की संसद में इस वक्त जो कानून बन रहा है उससे ट्रांसजेंडर समुदाय नाराज है। दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय ने बिल का विरोध किया। क्या है ये बिल और इस पर क्यों मचा है बवाल, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों ट्रांसजेंडर्स ने कुछ इस तरह विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग नहीं चाहते कि संसद में ट्रांसजेंडर बिल पास हो। लोकसभा में द ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2018 पास हो चुका है और जल्द ही उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि ये बिल उनकी रक्षा करने की बजाय उनके साथ अन्याय करेगा। राज्यसभा में आएगा तो हमारे वो बिल में हमको कुछ भी नहीं है। वो मोदी जी ने जो बिल लेकर आया उसमें हमारा परंपरा, हमारा रिजर्वेशन सब कुछ है। हमको वो बिल में कुछ फायदा नहीं है। हमको बस्ती नहीं मांगना, हम सेक्स वर्क नहीं करना करके बोलते। हम कहाँ जाओ, भीख नहीं मांगेंगे तो हमारा पेट कैसा आजकल जमेगा। हमको कौन सा काम दिलाया ये गवर्नमेंट ने, क्या किया हमको? हमने को कुछ रास्ता बना के फिर कानून लेकर आना था। हमको कानून लेकर आने के बाद रास्ता दिखाने में से क्या है। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रांसजेंडर दिल्ली में जुटे और अपनी आवाज बुलंद की। आइए अब आपको ये समझाते हैं कि मौजूदा बिल पर इन लोगों की क्या आपत्ति है। इस बिल के मुताबिक ट्रांसजेंडर को एक पहचान पत्र दिया जाएगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटने होंगे और शारीरिक जांच से भी गुजरना पड़ेगा। बिल पर दूसरी आपत्ति यह है कि इस बिल के मुताबिक जो भी ट्रांसजेंडर खुद को मर्द या औरत के रूप में पहचान दिलाना चाहते हैं, उसे SRS यानी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी से गुजरना अनिवार्य होगा। बिल में भीख मांगने को भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय के मुताबिक इससे उनकी इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि वो शादी ब्याह या किसी शुभ काम में पैसे नहीं मांग पाएंगे। इन लोगों के मुताबिक उन्हें नौकरी नहीं मिलती और ऐसे में अगर उनके पारंपरिक काम को बंद कर दिया गया तो उन्हें वेश्यावृत्ति जैसे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चौथी बड़ी समस्या ये है कि इस बिल में कहा गया है कि अगर किसी ट्रांसजेंडर को उसके घर वाले स्वीकार नहीं करते तो उसे पुनर्वास केंद्र में जाना होगा। इस प्रावधान से ये डर है कि घर वाले ट्रांसजेंडर को नकार देंगे और वो बेघर हो जाएंगे। पांचवी बड़ी दिक्कत यह है कि इस बिल में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। मौजूदा वक्त में ट्रांसजेंडर के पास ज्यादा अवसर नहीं है, इसलिए उन्हें मुख्य धारा में आने में मुश्किलें होंगी। इन लोगों का ये भी कहना है कि मौजूदा बिल में ट्रांसजेंडर शब्द को सही से परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे उन्हें दिक्कत होगी। बिल लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन TMC समेत कुछ दलों ने राज्यसभा में बिल का विरोध करने की बात कही है।